दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक नहीं है या आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो आप आय जाति या निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों अब यह सब आप घर बैठे अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपना टेक्निकल चैनल रिंगटेक पे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से बिना किसी झंझट के जाति आय या निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हो और मैं इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, इसे जरा सा भी स्किप मत करना, इसे पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब भी बेल आइकन दबा लो ताकि टेक्निकल दुनिया की नॉलेज आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहां पे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लोक सेवाएं पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगर आपको आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे अप्लाई कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अंचल स्तर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अंचल स्तर पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके पास दोस्तों एक नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कोई अभिवादन है श्री या श्रीमती अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, तो इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको अंग्रेजी में यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे अंग्रेजी में उनका नाम टाइप करोगे तो यहाँ पे उनका नाम हिंदी में लिख के आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स का फादर का नाम एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट्स के मदर का नाम एंटर आपको कर देना है। आप केवल अंग्रेजी में टाइप करते चले जाओ और हिंदी में अपने आप यहाँ पे लिख के आता रहेगा। अगर आप महिला हो तो आप यहाँ पे अपने पति का नाम भी एंटर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अस्थाई पता में अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी प्रखंड है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर सिलेक्ट करके अपना प्रखंड भी यहाँ से आप उठा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको स्थानीय निकाय के प्रकार में आपका जो भी है, आपका जैसे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद, नगर पंचायत, जैसे मेरा ग्राम पंचायत है जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना विलेज पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने गाँव का नाम, मतलब कि जो भी एप्लीकेंट्स है उसके गाँव का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे उनका जो भी डाकघर है तो डाकघर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से उनका जो भी पिन कोड है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका वर्तमान पता जो भी है अगर आपका सब सेम है तो यहाँ से आप यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। जैसे टिक करोगे तो यहाँ पे सब कुछ अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर देते हो तो फिर ये होगा क्या कि आपके आधार को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के लिए आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP दोगे फिर तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं ऐसे आधार नंबर को। और फिर यहाँ पे आपको आगे यहाँ से आपको अपना आवेदक का जो भी फ़ोटो है यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आपके स्टोरेज में जहाँ भी फ़ोटो पड़ा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे उनका फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पेशा में जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका पेशा है, जो भी आप करते हो
वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ग या कैटेगरी में जो भी आपका वर्ग है आपके जाति का, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कास्ट भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यादव। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको उपजाति भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे अहीर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चे को यहाँ से आपको रिफ्रेश कर लेना है और फिर यहाँ पे इस कैप्चे को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा, इसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। फिर दोस्तों आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से खुल के आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा रिव्यू पॉइंट पे है, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पहले आप देख लो, जो भी आपने यहाँ पे भरा, इस फॉर्म को आपने फिल करा, वो सारी जानकारी सही है या नहीं। अगर सही है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको अटैच एन एक्सेल पे क्लिक कर देना। अगर आप कुछ यहाँ से एडिट करना चाहते हैं, कुछ अगर गलतियाँ हो गई तो यहाँ से आप एडिट करके फिर वहाँ पे कैप्चा भर के फिर इस वाले पेज पे आ सकते हो। तो अभी मेरा जो भी मैंने इसमें भरा वो सारी जानकारी सही है। तो फिर आप मुझे क्या करना है, यहाँ से अटैच एन एक्सेल पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको कह रहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हो फिजिकली। दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये दस्तावेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग, जो भी आपके पास है वो यहाँ से आप दे सकते हो। तो दोस्तों सिंपली मैं तो आधार कार्ड ही देना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे आधार नंबर इसलिए फिल नहीं करा, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर आधार नंबर उस वहाँ पे हम फिल करते तो मेरे आधार नंबर पे ओटीपी आता, या अगर मेरे आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर ये अप्लाई हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने दोस्तों वहाँ पे आधार नंबर नहीं भरा। और यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास आधार कार्ड का फ़ोटो है, तो मैं वहाँ उसको यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको चूज कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं स्कैन करके यहाँ पे ले आया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एन एग्जिट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। जैसे अभी प्रोसेस हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब आप देख सकते हो आपका जो फॉर्म है वो लास्ट पोजीशन पे आ गया। अभी अभी आपने जो भी यहाँ पे अपलोड करा वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको सब कुछ एक बार पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है, जैसे अभी देख रहे हैं। फिर आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट खुल के आ जाता है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेवा का नाम, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपका आवेदन संख्या आ गया, यहाँ पे सब कुछ आ गया। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करके आप इस एक्नॉलेजमेंट को आप प्रिंट भी कर सकते हो, इस रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्यूज हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलते रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।